welcome back to our channel. I come, me and you. So guys, आज गुरु पूरब है और happy गुरु पूरब. और गुरु पूरब इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन गुरु नानक देव जी का बर्थ होता है. तो चलिए मैं आपको गुरु नानक देव जी की कहानी सुनाती हूँ. एक समय की बात है, गुरु नानक देव जी अपने दो शिष्यों के साथ एक गांव में गए थे. वहाँ के लोग बहुत गंदे थे. उन्होंने गुरु नानक देव जी को खाने के लिए नहीं दिया, उनसे अच्छे से बात नहीं की, उनका आदर नहीं किया. फिर जब फिर सुबह हुई तो वो उस गांव से जा रहे थे. तो उन्होंने उन्हीं गंदे लोगों ने कहा, हमें आशीर्वाद दीजिए. तो उन्होंने कहा, आबाद रहो. फिर वो दूसरे गांव में जाते हैं. वहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं. वो गुरु नानक देव जी को खाने के लिए दी, उनसे अच्छे से बात भी किए और उनका आदर भी किया. फिर जब सुबह हुई तो उस गांव से वो जा रहे थे. तो उन्होंने कहा, हमें आशीर्वाद दी. तो उन्होंने कहा, उजड़ जाओ. तो उनके दो शिष्यों को एक डाउट हो जाता है और वो अपने गुरु जी से पूछते हैं, गुरु जी आपने बुरे लोगों को कहा आबाद रहो और अच्छे लोगों का कहा उजड़ जाओ, क्यों? तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, मैंने अच्छे लोगों को इसलिए कहा उजड़ जाओ ताकि वो जहाँ पर भी जाए अच्छाई से फैलाए, और मैंने बुरे लोगों को इसलिए कहा आबाद रहो ताकि वो नहीं फैला पाए गंदगी. तो उनके दो शिष्य को समझ में आता है. अब चलिए मैं आपको उनकी दूसरी कहानी सुनाती हूँ. एक समय की बात है, जो गुरु नानक देव जी के पिताजी थे कालू राम, तो उन्होंने गुरु नानक देव जी को कहा, बेटा तुम खेत की रखवाली करो. तो गुरु नानक देव जी झाड़ करने लग गए और यहाँ जो सब लोग गुजर रहे थे वो हंस रहे थे कि खेत की रखवाली करने के जगह झाड़ कर रहा है और जितनी भी चिड़िया आती थी वो सब कुछ खा लेती थी. और फिर ये बात उनके पिताजी को पता चलता है. तो वो आते हैं तो पूछते, बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? तो गुरु नानक देव जी बोलते हैं, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़ैयों भर भर पेट. अब मैं आपको उनकी तीसरी कहानी सुनाती हूँ. एक समय की बात है, गुरु नानक देव जी काबा गए थे और वहाँ वो खुदा की तरफ पैर रखकर सो गए. तो वहाँ का जो मालिक था उसने गुस्से से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, खुदा की तरफ पैर रखकर सो रहे हो? तो गुरु नानक देव जी बोलते हैं, भाई बहुत दूर से आए हो, थोड़ा आराम कर लो. तो वो मालिक फिर से गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम क्या कर रहे हो, खुदा की तरफ पैर रखकर सो रहे हो? तो वो बोलते हैं, भाई बहुत दूर से आया हूँ, थोड़ा आराम कर लो. तो फिर वो वापस गुस्सा हो जाता है, बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो, खुदा की तरफ पैर रखकर सो रहे हो? तो गुरु नानक देव जी बोलते हैं, भाई मेरा पैर वहां रख दो जहाँ खुदा नहीं है. तब जाके उस मालिक को अपनी गलती का एहसास होता है क्योंकि खुदा तो सब जगह होते हैं, खुदा एक ही होता है. तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि खुदा एक ही होता है. तो चल, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा. बाय, हैप्पी गुरु पूरब.